आपकी ओर से जो वीडियो जारी किया गया है उस पर स्वाति मालीवाल का जवाब भी आ गया है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि यह वीडियो पिटाई के बाद का वीडियो है। स्वाति मालीवाल ने डायरेक्ट केजरीवाल पर हमला किया है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि घर के अंदर का ये अंदर के सीसीटीवी फुटेज का सामने आने के बाद ही सत्य का पता चल जाएगा। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। अपने लोगों के ट्वीट करवा के आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि इस अपराध को अंजाम दे के खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है क्या भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। ये स्वाति मालीवाल का जवाब है जो वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया था। स्वाति पिटाई कांड के इस वीडियो पर पुलिस का एक्शन सामने आया है। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो कुछ सेकंड का है, इसके आगे और पीछे भी वीडियो हो सकता है और इसको लेकर वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उस दिन कितने लोग सीएम हाउस गए थे, इस बात की जांच की जाएगी। अटेंडेंस रजिस्टर को बाकायदा चेक किया जाएगा कि किस किस की एंट्री वहां हुई है। पुलिस यह भी कह रही है कि वारदात के वक्त ड्राइंग रूम में कौन कौन मौजूद थे, उन सभी लोगों का मोबाइल भी जांच के लिए आगे लाया जा सकता है, पुलिस उनसे जब्त कर सकती है। अगर वेटिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो उसकी फुटेज के भी जांच की जाएगी। यानी अरविंद केजरीवाल के घर पर क्या हुआ, यह वीडियो भले ही एक संकेत देता हो लेकिन घटना की पूरी जानकारी सभी वीडियो फुटेज को खंगालने के बाद सामने आएगी और पुलिस वो वीडियो अब हासिल करने के लिए किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच सकती है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का आवास है और मुख्यमंत्री के आवास पर सुरक्षा चाक चौबंद होती है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज होता है। इसीलिए अब दिल्ली पुलिस उस फुटेज को हासिल करने की कोशिश करेगी। दरअसल यह पूरा मामला 13 मई का है, जब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अपनी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास पर गई। इस दौरान घटना के 3 दिन बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के हिसाब से स्टेटमेंट दी गई जो एफआईआर में दर्ज है और उस एफआईआर की कॉपी इंडिया टीवी के पास है।